हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइट है क्या। तो तुमने छोटे होते से ही पढ़ा है कि लाइट क्या होती है, एनर्जी की एक फॉर्म होती है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, राइट। तो अगर आप छोटी क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को याद करो, जो आपको टीचर बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल्स देके, बेटा अगर मैं क्लास में, अगर मैं रूम में पूरा अंधेरा कर दूं, आपको कुछ दिखेगा नहीं मैम, लेकिन अगर आपने वहाँ पे छोटी सी माचिस की एक स्टिक भी जला दी तो आपको विजिबिलिटी होगी, यस मैम। तो ये जो लेफ्ट साइड पे छोटा सा बच्चा है, ये तुम्हारा बचपन ही है, ठीक है। तो तुम्हें क्या दिख रही है, जैसे ही वहाँ पे उसने लाइट जला दी तो पूरे रूम के अंदर अब उसको विजिबिलिटी होगी, वो देख सकेगा। इसी तरह से स्ट्रीट लाइट्स जो जलती हैं वो क्यों होती हैं, ताकि रात को कोई भी जा रहा है तो उसको सब विजिबल हो, ठीक है। तो ये लाइट क्या होती है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी अराउंड अस, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी खुद की लाइट होती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है। तो तुम्हें याद आ रहा होगा, ये भी तुमने बचपन में किया है, यस मैम। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। बेटा अब आपको यहाँ तीन पिक्चर्स दिखाई हैं मैंने, ये देखो, ये जो लट्टू जल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, अब ये इसकी खुद की लाइट है या कहीं से मांगी है इसने, खुद की है तो ये क्या होंगे, ल्यूमिनस। अच्छा, ये जो ट्री के पीछे आपको सन दिख रहा है, सन सन की खुद की लाइट है या किसी से मांग रहा है, खुद की है तो क्या है, ये ल्यूमिनस है। और इसी तरह से आपको ये जुगनू जी दिखाई दे रहे हैं, रात को चमकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, किसकी लाइट है ये, खुद की लाइट है, ये मांग तो नहीं रहा ना कहीं से, तो ये सारे क्या होते हैं, ल्यूमिनस। अब तुम कहोगे नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं, नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जिसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी और से लाइट लेते हैं, ठीक है, किसी और ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जैसे ये जो ट्री तुम्हें दिख रहा है, ये ट्री तुम्हें दिख रहा है किसकी वजह से, पीछे जो सूरज चाचू दिख रहे हैं उनकी वजह से, ओके। जो सूरज चाचू हैं वो क्या है, हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो ट्री हैं वो क्या है, हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट जो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस। तो मून, मून भी क्या है, खुद की लाइट नहीं, चंदा मामा की लाइट खुद की नहीं होती, वो सूरज चाचू से उधार लेते हैं, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा, जो लाइट होती हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जिसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। अब इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे पटरी पे ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन को पटरी पे आने के लिए, उस पटरी के बिना क्या वो ट्रेन चल सकती है, नहीं चल सकती। लेकिन जो लाइट है वो बिना किसी की हेल्प से चल सकती है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है, ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो आपको राइट साइड एक पिक्चर दिख रही होगी कि एक लाइट जो ग्लो कर रही है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसका जो लाइट जो आपको दिख रही है, वो कैसी दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिख रही है। तो हमेशा लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जब तक कि उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट नहीं आ जाती। थर्ड क्या है, ड्यूअल नेचर। लाइट जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करती है। ये नीचे मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, और इसी तरह से लाइट वेव्स भी होती हैं। सो ये दोनों नेचर होंगे इसके। फोर्थ क्या है, लाइट कास्ट शेडो। नीचे पिक्चर दिख रही है बेटा, ये क्या है, जो आपको पूरी परछाई दिख रही है बनती हुई, लाइट की वजह से है। अगर सूरज की जो लाइट है वो इन पिलर्स पे, इस बिल्डिंग पे नहीं पड़ेगी, तो इसकी शेडो नहीं बनेगी। और लास्ट क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है। सो ये पांचों पॉइंट आपको क्लियर है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज़रूरी है, ये पूछा जा सकता है, तो इनको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। आगे देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ईजी है। रिफ्लेक्शन का मतलब आपको पता ही है, रिफ्लेक्ट होना मतलब किसी चीज़ का किसी चीज़ पे टकराने से, उधर से उसकी डायरेक्शन को बदल जाना उसका, ठीक है, या फिर वापस आ जाना। तो अब देखो, यहाँ आपको मैंने राइट साइड पे एक एग्जांपल देने की कोशिश की है कि एक पर्सन है, वो फुटबॉल से दीवार पे फुटबॉल को फेंक रहा है। अब क्या होगा भाई, सामने कोई प्लेयर थोड़ा ना खड़ा है कि वो फुटबॉल लेके भाग जाएगा। अब दीवार क्या कर सकती है, वो तो फुटबॉल को वापस भेजेगी, बाउंस बैक करेगी उसको। सो इसी तरह से अब सोच कर देखना, आपके पास एक मिरर है, आप मिरर में लाइट को
अगर रिफ्लेक्ट अगर लाइट को इंसिडेंट करवाओगे वहाँ, लाइट अगर आप मारोगे मिरर में, तो वो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर आपके पास ही तो आएगी, आपकी आंखों में चुभेगी, तो ये क्या है, बाउंसेस बैक टू यू। तो सिमिलरली लेफ्ट साइड पे डायग्राम देखिए, इंसिडेंट रे आई, नीचे ब्लू कलर की जो लाइन है वो मिरर है, उस पर जैसे ही वो टकराती है वो रिफ्लेक्ट होकर उसी एंगल पे वापस चली जाती है। अब मैम बीच में जो मैंने नॉर्मल बनाया वो क्या है, वो मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है। इससे क्या पता चलता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दोनों बराबर हैं। ध्यान से देखना ये जो मैं आपको समझा रही हूँ, इंसिडेंट रे आई, मिरर पे टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई, दोनों के एंगल क्या है, बिल्कुल इक्वल है, नॉर्मल के साथ मिला के देखे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे बाउंसेस बैक में आप देखो बॉल का देख लो, जैसे उसको फेंक रहा है वैसे उसके पास वापस भी आ जाती है। सो द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब प्लेन मिरर होता क्या है, एक्चुअल में प्लेन मिरर बनता कैसे है, तो मैंने आपको एक नीचे वाली साइड लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर दिखाई है, देखो ये वाली। अब देखो ये इसके हाथ में ग्लास है, इस ग्लास को अगर नॉर्मल ऐसे ही फ्रेम में लगा दिया जाए तो ये तो ग्लास डोर जैसा या ग्लास के जैसा काम करेगा, इसमें तो हम आर पार देख सकते हैं, तो फिर ये कोई मिरर तो नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी की एक साइड के नीचे कवर कर दिया जाए, ठीक है, या इसको पॉलिश कर दिया जाए, वो क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है। तो अब सिल्वर मिरर, सिल्वर सरफेस होगी और एक साइड से उसकी पॉलिश सरफेस होगी, तभी आप उसकी रिफ्लेक्शन देख सकते हो। और जब आप फिजिक्स में किसी मिरर को ड्रॉ करोगे तो बेटा ऐसे ड्रॉ करना है, ये देखो, ठीक है, ये जो लाइन 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 नीचे लगी हुई है ना कंघी की तरह, ये क्या होती है, पॉलिश सरफेस, और ऊपर क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अरे यार तुम तो समझदार हो, तुम्हें सब समझ आ जाता है, चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो लॉ भी बनी है भाई साहब, लॉ क्या कहती है, अभी तुमने वैसे ऊपर पढ़ ही लिया कि जितने एंगल पे कोई इंसिडेंट रे टकराएगी मिरर से नॉर्मल के साथ, जो उसका एंगल बनेगा वही नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का बनेगा। तो ये फर्स्ट लॉ हो गई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तुम्हें भाई साहब नेक्स्ट क्या देखना है, सेकेंड लॉ क्या कहती है, ये बहुत आसान है, कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, लेकिन बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, आपकी सारी प्रॉब्लम आज दूर हो जाएगी। क्या है सेकेंड पॉइंट देखो, द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये जो पिक्चर मैंने दिखाई है यहाँ से, ये टॉर्च से आ रही है, इंसिडेंट रे कहाँ आ रही है, मिरर पे, उधर से रिफ्लेक्ट हो गई और बीच में आपको दिखाया नॉर्मल। क्या ये तीनों एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, एक ही जगह के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो बस ये क्या है आपकी सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों क्या होती हैं, सेम प्लेन में लाए करती हैं। हो गई क्लियर ये बात, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी पिक्चर के साथ आप समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या रिफ्लेक्शन एक ही तरह की होती है, क्या हर जगह तुम्हें स्मूथ स्मूथ चमकदार हर चीज़ दिखेगी, बिल्डिंगें चमकदार हर जगह दिखेंगी, नहीं, क्योंकि कुछ सरफेसेस क्या हो सकती हैं, रफ भी हो सकती हैं। तो क्या रफ सरफेसेस पर रिफ्लेक्शन नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा स्मूथ रिफ्लेक्शन नहीं होती, ठीक है। अब देखो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है और रिफ्लेक्शन होती है तो वो दो तरह की हो सकती है, एक तो क्या हो सकती है, रेगुलर मतलब बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे, और दूसरी क्या हो सकती है, डिफ्यूज मतलब इरेगुलर, जो कि क्या है, सरफेस रफ है। तो आपको दोनों जो पिक्चर्स दिख रही हैं, एक में तो क्या है, बिल्कुल भाई साहब सीधी सीधी लाइन आ रही है, सीधी सीधी निकल गई है ना, ये क्या है, डिसिप्लिन्ड बच्चे जो डिसिप्लिन में आए और डिसिप्लिन में ही अपनी क्लास में जा रहे हैं। लेकिन ये तुम हो दूसरी साइड राइट साइड पे, तुम तो डिसिप्लिन में टीचर के होते होते तो डिसिप्लिन में आ रहे हो, लेकिन जैसे ही टीचर गई सब इधर उधर भाग रहे हो। तो ये आपको दिख रही है रिफ्लेक्शन, जो कि क्या है, डिफ्यूज्ड। तो नीचे आपको दो पिक्चर्स दिख रही हैं, एक साइड पे रफ, एक साइड पे क्या है, स्मूथ वाटर की सरफेस है, तो स्मूथ आपको साफ साफ पिक्चर भी दिख रही है पीछे पहाड़ की, है ना। लेकिन दूसरी साइड पे क्या है, ये तुम्हारे जैसे शरारती तत्व पानी के अंदर घूम रहे हैं, तो पूरा पानी जो है हिल रहा है, ठीक है, हवा से पानी हिल रहा है, तो क्या पहाड़ की पिक्चर सही दिखेगी, नहीं दिखेगी। तो ये दोनों आपके कौन से एग्जांपल्स हैं, जो एक साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है वो रेगुलर, जो दूसरी साइड हो रहा है वो डिफ्यूज्ड। आगे बढ़ते हैं, इमेज एंड इट्स टाइप। अब देखो टॉपिक असली शुरू होने वाले हैं आपके, लेकिन अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे, जैसे आपको ऊपर वाले टॉपिक समझ आ रहे हैं ऐसे ही इजीली नीचे वाले आ जाएंगे, ठीक है।
तो देखो इमेज होती क्या है। अब तुम कहोगे जो हम अपने आप की इमेज देखते हैं मिरर में वो इमेज होती है, बिल्कुल सही। क्या सिर्फ वही इमेज है? नहीं, इमेज दो तरह की होती है बेटा। एक आप सीधा सीधा फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलोगे, जब लाइट की जो रेज निकली, ठीक है, और जिस पॉइंट पे जाके वो मिलती हैं वहां पे वो इमेज बनाती हैं, या फिर लाइट की जो रेज जिस पॉइंट पे जाके मिलती हुई दिखाई दे, ठीक है, असली में ना मिले लेकिन मिलती हुई दिखाई दे, वहां पे भी इमेज बनती है। अब तुम सोच रहे हो ये मैम क्या बोल रहे हो यार, कहाँ से रेज आई, कहाँ जाके मिली? तो अब सोचो ध्यान से, तुम शीशे के आगे खड़े हो, ये छोटा सा बेबी दिख रहा है, क्यूट सा। अब मैं पहले सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ इमेज क्या है। ये छोटा सा बेबी जो आपको दिख रहा है, जो घूर रहा है अपने आप को शीशे में, है ना, अब ये जैसे ही अपने आप को मिरर में देख रहा है, लेकिन अगर इसके आसपास लाइट ना होती, क्या ये अपने आप को मिरर में देख सकता? अब तुम कहोगे नहीं मैम, क्योंकि लाइट तो ज़रूरी है, अभी हमने पढ़ा। तो अगर इस रूम में डार्क होगा इमेज नहीं बनेगी। तो इमेज कैसे बन रही है? ये खुद एक ऑब्जेक्ट है, इसके आसपास की लाइट जो है वो सारी रेज मिरर पे जाएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, जहाँ पे जाके वो मिलेंगी वहाँ जाके उसकी इमेज बन जाएगी। समझ गए? यस मैम, समझ गए। तो अब देखिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, तो इमेज भी एक तरह की नहीं, मैंने अभी बताया था, दो तरह की हो सकती है। तो ये जो छोटा सा बेबी अपनी इमेज मिरर में देख रहा है, क्या वो कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल। हम अपने आप को रियल में नहीं देख सकते। क्या तुम खुद को देख सकते हो, पूरा अपना फेस देख सकते हो बिना मिरर के? नहीं देख सकते। अब तुम कहोगे मैम मैं तो वीडियो में देख लूंगा। हाँ बेटा, वीडियो में देख सकते हो, लेकिन वो तुम्हारी जो वीडियो तुम बना के देखोगे वो तो बन जाएगी रियल इमेज, लेकिन शीशे में जब तुम देखोगे वो कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज। तो अब देखो दोनों के बीच के डिफरेंस पॉइंट्स पढ़ रही हूँ मैं। पहला पॉइंट क्या है? रियल इमेज कब बनती है? व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जब लाइट की जो रेज होती है वो सचमुच में मिलती हैं, ठीक है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है तब बनती है जब लाइट की जो रेज है वो अपीयर टू मीट, दिखती हैं लेकिन वो सच में मिलती नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है? कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन के ऊपर बन सकती है। ये जो पिकाचू नाचता हुआ दिख रहा है तुम्हें सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे, अब ये स्क्रीन पे है और ये रियल इमेज है, ठीक है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, क्योंकि ये जो छोटा सा बेबी अपने आप को मिरर में देख रहा है ये वर्चुअल इमेज में देख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है रियल इमेज इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। अब इन्वर्टेड और इरेक्ट है क्या? इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि उसका 180 डिग्री की एंगल पे चेंज हो गया है, ठीक है। और इरेक्ट क्या है? जैसा सीधा का सीधा है वैसा का वैसा आपको दिख रहा है, ये बेबी की हाइट और उसका फेस जैसा है वैसा दिख रहा है, समझ गए। अब आगे देखो रियल इमेज एग्जाम्पल क्या है? इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन एंड फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। अब कनकेव कन्वेक्स मिरर का टॉपिक आगे आएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो सिनेमा की स्क्रीन पे और कनकेव मिरर में इमेजेस बनती हैं वो रियल होती हैं, और जो प्लेन मिरर पे और कन्वेक्स मिरर पे इमेजेस बनती हैं वो वर्चुअल होती हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको आगे जाके और क्लियर होने वाले हैं, आप ध्यान से देखते जाओ। नेक्स्ट क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर किस तरह कैसे इमेज बनती है? अब देखो तुम्हें मैंने एक रे डायग्राम बना के दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, इसकी बात कर रही हूँ मैं। इसमें एम एम डैश क्या है? मिरर लगा दिया हमने, प्लेन मिरर। और ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट। इस ए बी की जगह तुम अपने आप को खुद को समझ लो, ये जो नीचे मैंने भाई साहब जी बनाए हैं ये ए बी ऑब्जेक्ट समझ लो, ठीक है। अच्छा, अब ये मिरर में जब सामने रख दिया गया तो आसपास की लाइट की जो रेज हैं वो मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट होंगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को पीछे जाके बना देंगी। अब देखो जब रे निकली, एक तो कैसे जा रही है? सीधी जा रही है, पैरेलल बिल्कुल, एक ओ पॉइंट पे जाके टकराई और ओ से ही वापस चली गई, है ना, नीचे की तरफ। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना रही है, राइट। अब ये कहीं पे भी जाके क्या ये रेज मिल रही है? तुम कहोगे नहीं मैम। तो इसको क्या किया हमने, जो वाई वाली जो रेज आ रही है पीछे प्रोड्यूस कर दिया और पैरेलल वाली रे को पीछे प्रोड्यूस कर दिया, जितना ए बी था उतना ही ए डैश बी डैश बन गया, ये क्या बन गई उसकी इमेज। अब ये देखो, इनको देखो, ये जो भाई साहब खड़े हैं सूट बूट में, ये अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, ठीक है। रेज निकली, रेज को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया गया और उसकी ही वर्चुअल इमेज बन गई। अब इसके क्या ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट,
जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। वो तुमने अभी अभी ऊपर भी पढ़ा, वर्चुअल मतलब जिसमें रियल में वो रेज नहीं मिली हैं, हमने उसको पीछे पीछे उसको प्रोड्यूस करके, रे को पीछे करके हमने मिला के उसकी इमेज बनाई है। और इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी, जैसा वो है वैसा ये सीधा दिख रहा है इमेज में भी। सेकंड पॉइंट क्या है, साइज़ ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो भाई साहब जिसकी हाइट जितनी है उतनी उसको इमेज में दिख रही है, तो बिल्कुल सही है। जितना ऑब्जेक्ट होगा मिरर के सामने उतना ही वो इमेज में भी दिखाई देगा। थर्ड क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। अब देखो इसकी जो डिस्टेंस है मिरर से, ये जो डिस्टेंस है इसकी मिरर से, ठीक है, जितनी डिस्टेंस इसकी मिरर से है बिल्कुल रियलिटी में, उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो इमेज का और ऑब्जेक्ट का मिरर से क्या होता है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होता है। दोबारा सुन लो ये ध्यान से, जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखी होगी उसकी इमेज उतनी ही दूरी पे बनेगी जितनी दूरी पे वो ऑब्जेक्ट मिरर से पड़ा होगा। और लास्ट क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, जो राइट हैंड, जब तुम मिरर के आगे अपना अपना राइट हैंड दिखाओगे तो तुम्हें वो मिरर में कैसा लगता है, लेफ्ट लगता है ना। तो आपको लेटरली इन्वर्टेड का मतलब यही लगाना है यहाँ पे, कि मिरर के अंदर बस हमें लेटरली इन्वर्टेड इमेज दिखती है। अब जैसे ये जो मैन खड़ा है यहाँ पे, इसका राइट हैंड लेफ्ट लगेगा और लेफ्ट हैंड राइट लगेगा आपको। सो ये होते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लेटरल इन्वर्जन को और अच्छे से समझेंगे लेटरल इन्वर्जन क्या है। राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट इन द इमेज एंड वाइस वर्सा। अब तुम्हें एम्बुलेंस का एग्जाम्पल्स अच्छे से पता है कि उसको उल्टा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो सामने वाले जो कार वाले जो सारा ट्रैफिक जमा करके रखते हैं ताकि उन बेवकूफ़ों को दिख जाए कि एम्बुलेंस आ रही है, और सीधा उसको मिरर के अंदर पढ़ सकेंगे और उसको रास्ता दे देंगे, ठीक है। अच्छा एक और तुम्हें एग्जाम्पल देने के लिए मैंने लेफ्ट राइट साइड पर एक लड़के की फ़ोटो बनाई है, ठीक है, उसमें क्या लिखा है, फिजिक्स उल्टा लिखा दिख रहा है। तो ये लिटरली इन्वर्टेड है। सो जितने अक्षर हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो वो आपको क्या दिख रही है, लिटरली इन्वर्टेड इमेज दिख रही है। आगे बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स पे। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, तुम कहोगे गोल वाले, नहीं बेटा गोल वाले नहीं, कर्व्ड वाले, ओके स्फीयर है यहाँ पे, सर्कल नहीं है। कई बच्चे स्फीयर सर्कल में कंफ्यूज होते हैं। स्फेरिकल मतलब जिसकी जो सरफेस होती है वो कर्व्ड होती हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती हैं, कर्व्ड होती हैं, ठीक है। कभी तुम वो गए हो किसी मेले के अंदर, बहुत सारे अलग अलग तरह के शीशे जिसमें तुम किसी में मोटे लग रहे हो, किसी में पतले लग रहे हो, तो खुद ही अपने ऊपर हंसते रहते हो। तो ये सारा करामात क्या होता है, कन्वेक्स कनकेव मिरर को मिक्स करके ही बनाया जाता है, ठीक है। तो अब स्फेरिकल मिरर अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो तुम क्या बोलोगे, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर कर्व्ड, वो वाले मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कर्व्ड होती हैं। अब बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या होती हैं, जहाँ से कोई रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। तो तुम्हें नीचे मैंने दो तरह के मिरर बना के दिखाए, कनकेव और कन्वेक्स, जिसमें मैंने साइड साइड पे जो छोटी 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 लाइंस लगाई हैं ये तो पॉलिश है, समझ गए, ये क्या है, पॉलिश है। और जो दूसरी साइड ब्लू वाला साइड है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी तरह से कन्वेक्स के अंदर देखो, अंदर वाली साइड पॉलिश है और बाहर वाली कर्व्ड साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। क्लियर हो गई ये बात। अब देखो तुम्हें दो और पिक्चर्स दिख रही होंगी, ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर का दिखा रहा है। कनकेव के अंदर बड़ा बड़ा फेस दिख रहा है, ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है, कनकेव के अंदर एनलार्ज्ड इमेजेस बनती है और कन्वेक्स में छोटी दिख रही है, छोटी तो दिखती है लेकिन लार्ज व्यू, पूरी बिल्डिंग दिख रही है, आसपास पेड़ दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। क्लियर हो गई ये बात। अब देखो जो कनकेव मिरर है और जो कन्वेक्स मिरर है उनके दोनों के एक और नाम होते हैं, कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर। अब तुम कहोगे ये क्या मुसीबत है, तो बिल्कुल कोई मुसीबत नहीं है, ध्यान से देखो। जैसे ही लाइट है जो कनकेव मिरर पे जा रही है, ये मैं लेफ्ट साइड वाली इमेज की बात कर रही हूँ, ये लाइट जो है वो जब कनकेव मिरर पे गई तो इसमें से वो टकरा कर एक दूसरे के साथ मिल गई, कन्वर्ज हो गई, जुड़ गई, ठीक है। तो जुड़ जा रही हैं तो वो क्या है, कन्वर्जिंग है। अच्छा और जो कन्वेक्स है, आप देखो कन्वेक्स में क्या हो रहा है, जा तो रही है लेकिन दूर 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 स्प्लिट होकर
बिखर गई, तो बिखर गई तो मतलब डाइवर्ज हो रही हैं। बहुत आसान है, अगर प्रैक्टिस करोगे समझोगे ध्यान से तो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब आता है असली चैप्टर, ये बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर आप ध्यान से सुनते जाओगे। अब देखो तुम्हें मैंने यहाँ पे दो इमेजेस दिखाई हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। मैंने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, उस सर्कल को मान लो वो पूरा जो स्फीयर है वो होलो स्फीयर है और वो कांच है, ठीक है, ग्लास है। अच्छा, और मैंने इसके एक साइड पे क्या लगा दिया, कनकेव मिरर लगा दिया, और दूसरी वाली साइड जो मैंने पूरा होलो स्फीयर ग्लास बनाया उसकी साइड मैंने कन्वेक्स लगा दिया। याद रखना, कनकेव की अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है, बाहर वाली साइड पॉलिश्ड है, और कन्वेक्स की अंदर वाली साइड पॉलिश्ड है, बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है। अब देखो, जो पूरा जो मैंने सर्कल बनाया, तो तुम जैसे मैथ्स के अंदर कंपस में कंपस का यूज़ करके सेंटर पॉइंट लेकर सर्कल बना देते हो, तो वो जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, वही क्या होता है इसके अंदर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, दिख रहा है आपको, ओके, सी, दोनों साइड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका, पूरा जो ये स्फीयर बनाया है उसका। अब देखो पी, पोल दिख रहा है तुम्हें। अब सिर्फ क्या मान लो, जो ब्लू ब्लू कलर के तुम्हें मिरर दिख रहे हैं, इसका अगर मैं आधा कर दूँ, आधा पॉइंट, तो वो हाफ उसका जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, पोल, मतलब मिरर का सेंटर। वो पूरे ग्लास स्फीयर का सेंटर है सी, और जो मिरर का सेंटर है वो क्या है, पी, पोल। अच्छा, आगे देखो, अब जो ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटती हुई लाइन जा रही है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लिखा हुआ तुम्हें दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, देखो एक्स से वाई तक लाइन जा रही है और सी और पी में से पास होती जा रही है, तो ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, आगे देखो, अब सी और पी से लेके जो डिस्टेंस होगा, मैथ्स में तुम उसको रेडियस बोलते हो, तो इसमें भी तुम इसे रेडियस बोलोगे, बस क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गए मेरी बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डायामीटर का आधा तो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ। तो अब इन्हीं सबको मैंने डेफिनेशंस की फॉर्म में भी लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, दोबारा से फटाफट देख लो। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड पोल, पोल क्या है, सेंटर ऑफ द मिरर। अपर्चर क्या है, इफेक्टिव डायामीटर, मतलब एम से लेके एम डैश पूरा डायामीटर दिखा रहा है उसका, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ग्लास का स्फीयर का क्या है, सेंटर पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल और सी के बीच में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है। फोकस क्या है, या फोकल, पहले तो फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ क्या है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस। अब तुम कहोगे फोकस, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, ठीक है। जो फोकस है वो क्या है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज एक्चुअली मीट। अब तुम याद करो, मैंने तुम्हें अभी अभी ये बात बताई थी, जहाँ पे रेज ऑफ लाइट मिलती हैं वो इमेज बनती है, तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। अब देखो, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, अभी मैंने तुम्हें बताया था, रेडियस का आधा कर दोगे तो फोकल लेंथ बन जाएगा, तो एफ क्या होगा, आर बाय टू। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं दोबारा बोल रही हूँ, और ये सारा जो मैंने तुम्हें बताया है ये सब इसी के अंदर है, ठीक है। अब आगे देखिए, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, ये बिल्कुल आसान है। कनकेव मिरर के यूजेस क्या है, क्योंकि कनकेव मिरर हमें थोड़ी सी एनलार्ज्ड इमेज, बड़ी इमेज दिखाता है, तो इसका यूज़ भी उसी वे से होता है। तो तुम्हें साइड पे दिख रहा होगा, एक मैडम जी मेकअप कर रही हैं और एक सर जी शेव बना रहे हैं, तो शेविंग और मेकअप मिरर्स में इसका यूज़ होता है। दांत कभी ख़राब हुए हैं, डेंटिस्ट के पास गए हो, बहुत डर लगता है यार मुझे, पता नहीं क्या क्या मुँह में लगा देते हैं, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है इस तरह की चीज़ों से। तो ये क्या है, यहाँ पे डेंटल मिरर में देखो, उसके मैडम जी के दांत बड़े बड़े दिख रहे हैं तुम्हें, तो कनकेव मिरर का यहाँ पे यूज़ होता है। और कार हेडलाइट मिरर्स में भी कनकेव मिरर का यूज़ होता है, ये कर्व्ड सरफेस आपको दिख रही होगी उसकी। अब बढ़ते हैं आगे यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर पे। कन्वेक्स मिरर क्योंकि छोटी इमेज दिखाता है लेकिन बड़ा व्यू देता है,
तो उसको कार रियर व्यू के अंदर, मतलब कार के जो साइड के मिरर्स होते हैं उसमें उसको यूज़ करते हैं। उसमें आपको लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट्स में अपीयर फलाना फलाना लिखा होता है ना उस पर। तो ये आपको क्या दिखाता है, पूरा सड़क का पूरा पीछे का एरिया आपको पूरा व्यू दे देता है, तो ये रियर व्यू में यूज़ होता है। अच्छा, और सिक्योरिटी मिरर, देखो सेंटर वाली पिक्चर देखो ध्यान से, पूरी शॉप की पूरी इमेज आपको दिख रही है इस मिरर के अंदर, है ना, कि वो दूर खड़े पर्सन क्या कर रहे हैं और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी की सारे सामान आपको अच्छे से दिख रहा है। तो मतलब ये इमेज तो छोटी दिखाएगा लेकिन व्यू क्या देगा आपको, पूरा का पूरा व्यू देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब होते हैं जो आप स्फेरिकल मिरर यूज़ कर रहे हो उस पर किस तरह से हम रूल्स अप्लाई करते हैं कि कोई रे ऐसे आ रही है तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर इस फॉर्म में आ रही है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये बहुत आसान है, चार रूल्स होते हैं इसके, इन चारों रूल्स को आगे रे डायग्राम बनाने के लिए आपको यूज़ करना है। तो सुनो, और प्लीज़ अगर इंग्लिश बाबा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन इंग्लिश बाबा चैनल पे मिलती है सब सब्जेक्ट्स की, वो कहीं नहीं मिलेगी। जैसे कि इंग्लिश बाबा आपके लिए इंग्लिश लाते थे पहले, तो अब उन्होंने मैथ्स भी ला दिया आपके लिए, साइंस भी ला दिया आपके लिए, और इवन उन्होंने आपको SST भी प्रोवाइड कर दी। तो अगर आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाएंगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, केस वन देखो क्या है, क्या दिखा रखे हैं आपको, दो मिरर्स दिखा रखे हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। पहला केस क्या कह रहा है कि रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब प्रिंसिपल एक्सिस बताओ क्या होती है, तुम बताओ, जो इमेजिनरी लाइन है ना, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार करके जा रही है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है जो पी और सी से निकल के जा रही है, इसके बिल्कुल पैरेलल ऊपर से एक इंसिडेंट रे आ रही है, दिख रही है, कनकेव मिरर का दिखा रही हूँ, ध्यान से देखो, इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल क्या आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है। जैसे ही इंसिडेंट रे मिरर पे टकराई, वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, और फोकस पॉइंट हमेशा पी और सी के बीच में मिलेगा तुम्हें, ये भी ध्यान रखना, पी और सी के बीच में तुम्हें क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा। ठीक है, फोकल लेंथ और फोकस में कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, तो ये क्या दिख रहा है आपको कि जो इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे आई उसके बीच में सी पॉइंट से उन्होंने नॉर्मल, मतलब उनका 90 डिग्री का एक एंगल खींच दिया, जिससे आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए, तो फोकस पॉइंट से वो क्या हो गई, क्रॉस कर गई। और इसी तरह से दूसरी साइड देखो, कन्वेक्स मिरर में भी क्या हो रहा है, बस फर्क क्या होता है, ध्यान रखो, फर्क क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में वो रियल में रेज मिलती नहीं है, वो अपीयर होती हैं, समझ गए मेरी बात। अब देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होके चली गई, लेकिन कहीं पे मिलती हुई, कहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है, फोकस पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस फोकस पॉइंट को से और सी से बीच में नॉर्मल बना दिया, तो आई और आर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी दिखा दिया आपको। तो बस सीधी सीधी बड़ी जो मेन बात आपको याद रखनी है कि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा फोकस में से पास करेगी, कनकेव के अंदर रियल में फोकस से पास करती है और कन्वेक्स के अंदर वो अपीयर होती है। समझ गए, तुम सियाने हो यार, समझते तो सब हो, हम ही पागल हैं। सेकंड केस देखो, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो पहले वाले केस का जस्ट उल्टा दिख रहा है ना, पहले वाले केस में तो पैरेलल आई, फोकस से गई, अब इसमें ये क्या कह रहा है कि रे जब फोकस में से पास होकर निकलती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके रिफ्लेक्ट हो जाती है, बिल्कुल आसान। अब देखो ऊपर से एक रे आ रही है उड़ती हुई, सीधा किसके अंदर लगी, फोकस में, फोकस से पार होती हुई तो मिरर पे टकराई और टकरा कर कैसे निकल गई, पैरेलल निकल गई। ठीक है, ये कनकेव में तो रियल में हो रहा है और कन्वेक्स में अपीयर हो रहा है। ठीक है, दूर से आती हुई एक रे, वहां से ऊपर वाली रे को देखना, दूर से आती हुई, मैं कौन सी रे की बात कर रही हूँ, ये ठीक है, ये वाली रे, ये आई, ये कहाँ से अपीयर हो रही है, आती हुई फोकस से, और निकली कैसे, किस साइड चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। तो बस आपको ये सेकंड केस यही याद रखना है। थर्ड क्या कहता है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द सेम पाथ, बिल्कुल आसान, सी से जा रही है और सी से ही वापस आ रही है।
कनकेव में रियल में जाती है और कन्वेक्स में वो अपीयर होती है। हर केस में ऐसा होगा, कनकेव मिरर में तो वो रियल में दिखती है सारी चीज़ें और कन्वेक्स के अंदर वो अपीयर होती हैं, क्योंकि कनकेव जो है वो रियल इमेजेस बनाता है, कन्वेक्स क्या है वर्चुअल बनाता है। तो जो सी से पास हो रही है, देखो एरो आ रहा है सी की तरफ और वापस जब जा रहा है तो वह एरो सी की तरफ ही जा रहा है। और दूसरी साइड भी देखो, राइट साइड भी देखो क्या हो रहा है, ऊपर वाली साइड से रे निकली सी से आती हुई अपीयर हो रही है और वापस भी वहीं से जा रही है। और लास्ट बढ़ते हैं केस फोर की तरफ, रे इंसिडेंट ऑब्लीकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्लीकली मतलब उसने सीधा किस पे अटैक किया, जो मिरर का सेंटर पॉइंट है यानी कि पोल, तो पोल पे अगर सीधा कोई भी रे आके टकराएगी तो वो सीधा वहीं से रिफ्लेक्ट होकर उसी एंगल पे निकल जाएगी जिस एंगल पे वो स्ट्राइक कर रही थी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या हो रहा है, इक्वल। तो कनकेव के अंदर आपको क्या बनाना है, उसको किस तरह बनाना है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और कन्वेक्स में क्या है, बाहर की तरफ है। तो ये होते हैं आपके सारे केसेस। अब आपको क्या करना है, बस एक ये काम करना है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आप अब नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।